वेलकम टू डीकेज फॉलीज वेयर एवरीथिंग इज़ फन टेक्निकल एंटरटेनमेंट एजुकेशनल इंजॉयमेंट एंड मच मोर। दोस्तों आज हमने सोचा आपको बताएं कि एक्वेरियम किस तरह बनाया जाता है, घर में एक्वेरियम किस तरह बनाया जाता है और प्रोफेशनली भी लोग किस तरह एक्वेरियम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्वेरियम के लिए ये होता है कि शीशे कटवा लिए जाते हैं अपने मतलूबा साइज़ के मुताबिक, जैसा आप देख रहे हैं शीशे कटे हुए। फिर काटने के बाद मतलूबा साइज़ के एक्वेरियम के शीशे उनको इस तरह टेप से जोड़ दिया जाता है, तीन तरफ से, चौथी तरफ नहीं जोड़ी जाती, तीन तरफ जोड़ी जाती है। उसके बाद तीनों अतराफ में सिलिकॉन की बीड लगाई जाती है। ये सिलिकॉन की बीड अभी आपको लगा के दिखा रहे हैं, ये देखें, इस तरह से सिलिकॉन की बीड अंदर की तरफ अतराफ में लगा दी जाती है। आपको सिलिकॉन की बीड नजर आ रही है अतराफ में लगाते हुए। अभी हमने आप देख रहे हैं कि चौथा शीशा नहीं लगाया और तीन अतराफ शीशे। अब इसको उंगली के साथ अंदर दबा के दर्जों में भी भर दिया जाता है, जोड़ों में, और फैला भी दिया जाता है सिलिकॉन को इस तरह से। इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर फिर भी इसके लिए महारत चाहिए होती है। जितना माहिर शख्स इस चीज को बनाएगा उतना ही अच्छा और मजबूत एक्वेरियम बनेगा। ये जनाब तीन अतराफ से सिलिकॉन को, बीड को दर्जों में फैला दिया गया है। अब चौथी और आखिरी तरफ का शीशा जोड़ा जाएगा। ये जी चौथी तरफ का शीशा आ रहा है और इसको अपनी जगह पे जोड़ा जा रहा है और फिक्स किया जा रहा है। और उसके बाद किनारे सीधे करके तो टेप लगाई जा रही है। अभी इसी तरीके से इस तरफ ये टेप है, ऊपर की तरफ किनारे सीधे करके टेप लगाई जा रही है। ये दायां किनारा हो गया, अब ये बायां किनारा ऊपर से जोड़ा जा रहा है। अब इसके अलावा दरमियान में टेप, ये देखें, लगाई जा रही है। और निचले कोनों में एक एक टेप का पीस लगा दिया जाएगा। ये दायां निचला कोना और ये बायां निचला कोना, इसमें टेप का पीस लगा दिया गया। और अब फाइनल जो है बीड वो भरी जाएगी सिलिकॉन, क्लियर सिलिकॉन की बीड भर के यहां से भी।
भी इसको उंगली से बीट को अंदर दर्जों में दबा दिया जाएगा। और ये तो जनाब जिस तरह के आप देख रहे हैं कि एक्वेरियम बन के मुकम्मल हो गया है। अब सिलिकॉन सीलेंट जो होता है ये एक रबर की किस्म है और ये सेट इन करने में 24 से 48 घंटे तक लेती है। अच्छी किस्म की सिलिकॉन जो है वो 24 घंटे में हो जाती है, कुछ किस्म की किस्म है जो 48 घंटे बाद होती है। तो अब हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे यहीं पे पड़ा हुआ और एक घंटे के बाद जब के थोड़ी बहुत सिलिकॉन अपनी क्योरिंग कर लेगी, सेटिंग नहीं क्योरिंग, एक घंटे के बाद सिलिकॉन अपनी ठोस होने लग जाती है और रबर की फॉर्म लेने लग जाती है, तो एक घंटे के बाद हम इसको उठा के तो किसी महफूज मकाम पर रखते हैं जहाँ पर ये 24 घंटे से 48 घंटे के दौरान करेगा। जो हम सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं वो ये जनरल की है, इसका क्योरिंग टाइम 24 घंटे है, लिहाजा 24 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे और 24 घंटे के बाद वाटर टेस्ट करके तो एक्वेरियम को फाइनल अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आएंगे। तो जनाब ये था तमाम दोस्तों के लिए कि घर में और प्रोफेशनल तरीके से एक्वेरियम किस तरह बनाया जाता है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। डीकेएस फॉलिस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय।